कह रहे हैं फाइंड द इंडेक्स ऑफ द फॉलोइंग निलपोटेंट मैट्रिक्स। तो निलपोटेंट तब आएगा जब मैट्रिक्स ए की ए के साथ मल्टीप्लिकेशन या ए स्क्वायर के साथ ज़ीरो आ जाए। अब देखो ये पहला मैट्रिक्स है, इसी को हमने दो बार लिख दिया। अब देखो ये पूरी पहली रॉ इस कॉलम से, ये पहली रॉ सेकेंड कॉलम से, फिर पहली रॉ थर्ड कॉलम से, सेकेंड रॉ पहले कॉलम, सेकेंड रॉ सेकेंड कॉलम, सेकेंड रॉ थर्ड कॉलम। और ये थर्ड रॉ तो अंडरस्टूड सी बात है कि जीरो है तो सारे एलिमेंट जीरो होंगे। यहाँ भी देखो पहली रॉ को हम सेकेंड कॉलम से करके देखेंगे, तो ज़ीरो वन सा ज़ीरो, वन ज़ीरो सा ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो सा ज़ीरो, क्योंकि ऑफकोर्स पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करने पर ज़ीरो ही आना है। फिर देखो हम इसको उठाएंगे थर्ड रॉ को और फर्स्ट कॉलम, ज़ीरो ज़ीरो सा ज़ीरो, वन वन सा वन, और वन ज़ीरो सा ज़ीरो, तो ये वन आ गया। अब जब हम सेकेंड रॉ को उठाएंगे पहले कॉलम से तो ज़ीरो आ जाएगा, सेकेंड रॉ को सेकेंड कॉलम से उठाएंगे तब भी ज़ीरो जो है यहाँ लिख देंगे, सेकेंड रॉ को फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड कॉलम से, यहाँ भी ज़ीरो। अब थर्ड रॉ तो ही ज़ीरो, इसको किसी से भी मल्टीप्लाई करें ज़ीरो आना है। तो देखो अभी निलपोटेंट नहीं आया, निलपोटेंट तो तब आता है जब सारे ज़ीरो। अब ए स्क्वायर को हम दोबारा ए से ही मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इससे। जब ए स्क्वायर को हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो बात वही है, ये बड़ी है हमें पहली रॉ की मल्टीप्लिकेशन किससे, सेकंड कॉलम से और थर्ड कॉलम से। जब पहली रॉ को हमने मल्टीप्लाई किया तो ज़ीरो वन सा ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो सा ज़ीरो, वन ज़ीरो सा ज़ीरो। फिर इसी पहली रॉ को थर्ड कॉलम से किया, ज़ीरो ज़ीरो सा ज़ीरो, ज़ीरो वन सा ज़ीरो, वन ज़ीरो ज़ीरो, ये ख़त्म। आगे तो बाकी दो रॉ ज़ीरो से, तो इसके रिज़ल्ट ऑफकोर्स ज़ीरो ही आने। अब ये ज़ीरो आ गया, क्या आ गया, ए स्क्वायर नहीं ए क्यूब ज़ीरो आया है, ए क्यूब ज़ीरो आ रहा है। तो निलपोटेंट मैट्रिक्स की इंडेक्स क्या होगी, थ्री, क्योंकि अगर ए स्क्वायर ज़ीरो आ जाए तो भी निलपोटेंट मैट्रिक्स होता है, लेकिन उसकी इंडेक्स क्या होती है, वो टू होती है अगर ए स्क्वायर ज़ीरो। जैसे कि देखो ये सवाल है, अब यहाँ सर आपको सही पता चलेगा मल्टीप्लिकेशन का। ये पहली रॉ हमने इसी मैट्रिक्स को दो बार उतार दिया, ठीक है, ये पहली रॉ वन वन सा, माइनस थ्री इंटू माइनस वन प्लस थ्री, फिर माइनस फोर इंटू वन माइनस फोर, ये यहाँ आता है। फिर देखो पहली रॉ वन को माइनस थ्री से किया, माइनस थ्री को थ्री से माइनस नाइन, फिर माइनस फोर को थ्री से किया ट्वेल्व। पहले इसी पहली रॉ को उठाओ और थर्ड कॉलम से, वन को माइनस फोर से माइनस फोर, माइनस थ्री को फोर से माइनस ट्वेल्व, फिर माइनस फोर को फोर से, माइनस फोर से सिक्सटीन। फिर इसी पहली रॉ को सेकेंड कॉलम से, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, सेकेंड रॉ को फिर थर्ड रॉ को भी। तो देखो सेकेंड रॉ को हम आ गए, माइनस वन को वन से किया माइनस वन, थ्री को माइनस वन से किया माइनस थ्री, फोर को वन से किया फोर। फिर इसी को उठाओ और सेकेंड कॉलम से, माइनस वन को माइनस थ्री से किया थ्री, थ्री थ्री ज़ा नाइन, थ्री इंटू माइनस थ्री, फोर इंटू माइनस थ्री, अब ये होगा ना फोर माइनस ट्वेल्व। अब इस रॉ को करना है थर्ड कॉलम से, माइनस वन को करो पहले किससे, हाँ जी वन को करो माइनस फोर से माइनस फोर, फिर माइनस थ्री को किससे करो फोर से माइनस ट्वेल्व, फिर माइनस फोर को किससे करो माइनस फोर से तो प्लस सिक्सटीन। ये पहली रॉ की कंप्लीट हो गई। इसी तरह सेकेंड रॉ को पहले फर्स्ट कॉलम से, जो आंसर इधर आएगा, सेकेंड रॉ को सेकेंड कॉलम से, जो इधर आएगा, और सेकेंड रॉ को थर्ड कॉलम से, जो इधर आएगा। फिर थर्ड रॉ इंटू फर्स्ट कॉलम, थर्ड रॉ इंटू सेकेंड कॉलम, थर्ड रॉ इंटू थर्ड कॉलम। और अब देखो इसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ गया, जो कि ए स्क्वायर का है, तो ये निलपोटेंट मैट्रिक्स तो है, लेकिन अब इसकी इंडेक्स कितनी होगी, टू होगी, वेरी इंपॉर्टेंट।